रतन टाटा के निधन के बाद कुछ ऐसे किस्से हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और उनकी कई कहानियां हैं जो लोगों को पसंद भी आ रही हैं। रतन टाटा के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, ऐसे ही कुछ किस्से हैं जिनका जिक्र हम यहाँ इस वीडियो में करते हैं। एक एक करके हम उन किस्सों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, रतन टाटा नहीं रहे लेकिन अब उनसे जुड़े कुछ किस्से हमारे साथ हैं। रतन टाटा जानवरों को बेहद प्यार और उनका सम्मान भी करते थे। रतन टाटा की दिलदारी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि टाटा ग्रुप से जुड़े तमाम 5-स्टार होटल या ग्रुप की बाकी बिल्डिंग और यहां तक कि मुंबई में टाटा ग्रुप के हेडक्वार्टर बॉम्बे हाउस में कभी भी आवारा कुत्तों की एंट्री के लिए बैन नहीं रहा। यहां तक कि उनको आने के लिए एंट्री दी जाती थी, साथ ही अच्छा खाना भी खिलाया जाता था। कुछ वक्त पहले रूबी खान ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे 5-स्टार होटल में एंट्री करते ही पहले उन्हें स्ट्रे डॉग्स दिखाई दिया, क्योंकि रतन टाटा का साफ निर्देश है कि उन्हें यहां से कोई बाहर नहीं निकालेगा। एक दूसरे किस्से पर चलते हैं जो रतन टाटा की पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है। रतन टाटा की पर्सनल लाइफ हमेशा सुर्खियों में रही है। उनकी शादी होने वाली थी लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई। ऐसा कहा जाता है कि रतन टाटा ने कुछ वक्त बॉलीवुड एक्ट्रेस सिमी गरेवाल को भी डेट किया था। दोनों कुछ वक्त तक रिलेशनशिप में रहे थे लेकिन यह रिश्ता ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। एक बार सिमी गरेवाल ने रतन टाटा से पूछा था कि उन्होंने कभी शादी क्यों नहीं की। जवाब में रतन टाटा ने इतना ही कहा कि बहुत सारी चीजें हुई जिन्होंने मुझे शादी करने से रोक दिया, टाइमिंग सही नहीं रही और फिर काम में इतना मशगूल हो गया कि टाइम रहा ही नहीं। मैं कई बार शादी करने के नजदीक पहुंचा लेकिन बात नहीं बनी। अब जब रतन टाटा का निधन हुआ है तो सिमी गरेवाल ने लिखा है कि वो कहते हैं कि तुम चले गए हो, ये नुकसान सहना बेहद मुश्किल है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मेरे दोस्त को फेयरवेल। अगले किस्से पर चलते हैं क्योंकि एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अब टाटा ग्रुप को कौन संभालेगा, तो इसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। रतन टाटा के निधन के बाद सवाल उठ रहा है कि अब टाटा ग्रुप की जिम्मेदारी किसके हाथ में होगी। इसमें चार नाम सबसे आगे आते हैं। नंबर एक पर आता है नोएल टाटा, जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया, नेविल और लिया टाटा, जो ग्रुप के संभावित उत्तराधिकारी हो सकते हैं। 34 साल की माया टाटा टाटा ग्रुप में लगातार आगे की ओर बढ़ रही हैं और उन्होंने टाटा न्यू ऐप को लॉन्च भी किया है। फिर आते हैं नेविल टाटा, जो अभी स्टार बाजार के हेड हैं। फिर आती हैं 39 साल की लिया टाटा, जो टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपनी छाप छोड़ रही हैं। देखना होगा कि आखिर टाटा ग्रुप की कमान किसे दी जाती है। अगले किस्से पर आते हैं क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ कि 4 बार रतन टाटा की शादी होने से रह गई। रतन टाटा अब नहीं रहे हैं लेकिन उनके किस्से ऐसे हमेशा हम लोगों के बीच रहेंगे। ऐसा ही किस्सा है लव स्टोरी से जुड़ा हुआ जो यादगार है। जब रतन टाटा अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे उस वक्त का किस्सा बताते हुए खुद कहते हैं कि मैं लॉस एंजलिस में था जहां मुझे प्यार हुआ। मैं उस लड़की से शादी करने वाला था लेकिन तभी मैंने भारत आने का फैसला किया क्योंकि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैं ये सोचकर घर लौट आया कि जिस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूं कि वो भी मेरे साथ भारत आ जाएगी। लेकिन 1962 की भारत चीन की लड़ाई के चलते उस लड़की के माता पिता उसके भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस वजह से यह रिश्ता भी टूट गया। सिर्फ एक बार नहीं, 4 बार ऐसा हुआ कि जब रतन टाटा की शादी होते होते रह गई। आखिरी किस्से पर आते हैं कि रतन टाटा के कई ऐसे किस्से हैं जो बताते हैं कि वो साधारण व्यक्ति नहीं थे। 2008 में जब रतन टाटा को जैसे ही ताज होटल पर हमले की जानकारी मिली, वो आतंकियों की गोलीबारी की परवाह किए बिना वहां पर पहुंच गए। होटल गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा रहा था और उसी बीच वो होटल में पहुंच गए थे। और सिर्फ पहुंचे ही नहीं, 3 दिन 3 रात तक वहीं रुके रहे क्योंकि उन्हें मालूम था कि स्टाफ के अलावा 300 गेस्ट ऐसे भी थे जो उस वक्त होटल में थे। उनकी कोशिश यही थी कि हर कोई वहां पर सेफ रहे। हमले के बाद करीब 80 स्टाफ वाले ऐसे थे जो उस हमले से प्रभावित हुए थे। बाद में रतन टाटा ने सभी से निजी तौर पर मुलाकात की और उसके अलावा हर स्टाफ मेंबर की और उनके परिवार की आर्थिक मदद भी की। ऐसे थे रतन टाटा जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनकी यादें हैं, उनके कई किस्से हैं जो हमेशा अमर रहेंगे। हम सबकी तरफ से रतन टाटा को विदाई। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।